हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य एंड ऑटो टेक इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू लीवो 2022 के बारे में। इसके फ्रंट की बात करें अगर तो यहाँ पर आपको ब्लैक में वाइजर मिलता है, यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिलती है। साइड पर भी इसके एक आपको अलग से ब्लैक का वाइजर मिलता है। इसके नीचे की बात करें तो यहाँ पर भी आपको हेलोजन में लाइट मिलती है, जो कि हाई बीम एंड लो बीम का सेटअप आपको साथ में मिलता है। 35x35 के वॉट का इसमें आपको बल्ब मिलता है। इसके नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं, यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर मिलता है, ये आपको फाइबर का यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है टायर वाला। एंड इसके इधर की बात करें तो इस तरफ आपको कुछ इस तरीके का लगता है टायर। इस साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक रिफ्लेक्टर मिलता है एंड 240mm की इसमें आपको डिस्क मिलती है, जो कि टायर प्रोफाइल है इसकी 80,100 R18 के टायर्स के साथ। एंड इसके इधर साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको लेग गार्ड मिलता है। इसके इस साइड की अगर बात करें यहाँ पर आपको हीरो का 3D में लोगो मिलता है, ब्लैक कलर का इसका कैलिबर यहाँ साइड पर मिलता है टैंक के। डबल्स में आपको कलर में इसमें ग्रे एंड रेड में इसमें यहाँ पर आपको ग्राफिक्स दिए जाते हैं, जो कि नए लीवो के हैं। इसके टैंक की बात करें तो कुछ इस तरीके से लुक आती है यहाँ से आपकी। साइड में आपको यहाँ पर इसका मफलर गार्ड मिलता है, जो कि स्टील में आपको मिलता है। एंड साइड में आपको यहाँ पर एक फुटरेस्ट दिया जाता है, यहाँ पर आपको ESP की बैजिंग मिलती है, यहाँ पर आपको लीवो का एक स्पीकर दिया जाता है, यहाँ पर एक होंडा की तरफ से आपको यहाँ किक दी जाती है। इसके नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्रेक पैड मिलता है ये, एंड यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ से आपको ये साइलेंसर का ऑप्शन दिया जाता है पीछे बैक के लिए, यहाँ पर आपको इसकी चेसिस दी जाती है, ये आपको यहाँ पर इसका प्लग मिलता है करंट वाला। बैक की बात करें तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल स्विंग आर्म टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। एंड बैक की प्रोफाइल करें बात अगर टायर की तो वो भी आपको 80,100 R18 की मिलती है। इसमें आपको 130mm की ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइड कराती है होंडा। यहाँ पर आपको इसका इंडिकेटर मिलता है, जो कि नॉन स्ट्रेचेबल है। इसके पीछे की बात करें यहाँ पर आपको हेलोजन लाइट मिलती है रेड कलर की ब्रेक वाली। यहाँ पर आपको होंडा का स्टिकर मिलता है, ये इसके कुछ ग्रैब हैंडल दिया गया है ब्लैक कलर का। इसमें आपको काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं, काफ़ी कुशनिंग सीट्स दी गई हैं। इस साइड की बात करते हैं अगर तो यहाँ पर भी आपको एक इंडिकेटर दिया जाता है, यहाँ से आप इसकी सीट को हटा सकते हैं एडजस्टेबल। एंड यहाँ पर आपको ग्रे एंड रेड में ब्लैक के साथ में ग्राफिक्स दिए जाते हैं। इसके नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको एक साड़ी गार्ड दिया जाता है, जो कि एक फ़ाइबर में है, और ये आपको यहाँ पर लोहे का इसमें साड़ी गार्ड मिलता है जिसमें फ़ाइबर भी लगा है। यहाँ पर आपको स्विंग आर्म एडजस्टेबल टाइप के सॉकर्स दिए जाते हैं, ये आपको इसका चैन गार्ड दिया जाता है, जो कि फाइबर में दिया गया, प्लास्टिक में दिया गया सॉरी। यहाँ पर आपको एक फुटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर भी आपको अपना पैर रखने के लिए स्टैंड दिया जाता है। यहाँ पर साइड स्टैंड कट ऑफ कन कट ऑन का भी ऑप्शन आपको मिलता है, जो कि आपको मीटर में दिखाएगा। अगर स्टैंड लगा है तो आप जब बाइक स्टार्ट कर लेंगे तो उसके बाद अगर आप गियर डालेंगे तो गाड़ी आपकी वहाँ पर इंजन बंद हो जाएगा। इसकी फ्रंट से कुछ इस तरीके की लगती है अपनी होंडा लीवो। एंड इस तरफ आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर दिया जाता है, इस तरफ आपको 3D में लोगो मिलता है होंडा का, ग्रे एंड रेड और ब्लैक में आपको यहाँ पर ग्राफिक्स मिलती है, जो कि नई आने लगी हैं आजकल। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 9 लीटर का आपको फ्यूल कैपेसिटी का टैंक मिलता है। साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको पास हाई बीम लो बीम का सेटअप साथ मिलता है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स के स्विच मिलते हैं, और यहाँ पर इसके आपको हॉर्न मिलता है, कुछ इस तरीके का हॉर्न आता है आपका, सिंगल हॉर्न नहीं मिलता है इसमें। ये आपको इसका कुछ इस तरीके का क्लच मिलता है, ये इसके आपको साइड मिरर मिलते हैं। अब इसके क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको एनालॉग एंड डिजिटल टाइप का क्लस्टर मिलता है, जिसमें आपको एक न्यूट्रल गियर का इंडिकेशन, फ्यूल लिंकेज की इंडिकेशन आपको मिलेगी यहाँ पर, और स्टैंड का कट ऑफ कन ऑफ का भी इंडिकेशन आपको मिलेगी, स्टैंड के कट ऑन का भी इंडिकेशन मिलेगी। यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिलती है, कुछ इस तरीके की इसकी टैंक मिलती है आपको ब्लैक कलर में। साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको इंजन किल का ऑप्शन और सेल्फ का ऑप्शन ही मिलता है। इसकी आपको मैं आप नॉइस सुनाऊंगा, कुछ इस तरीके की इसकी नॉइस है, सुनाता हूँ मैं आपको, सुनिएगा इस तरीके की इसकी कुछ नॉइस आती है। एंड यहाँ पर आपको ये ब्रेक का लीवर मिलता है, ये आपको इसके साइड मिरर मिलते हैं, ये आप बैक से भी कुछ इस तरीके की लुक है। अब बात करते हैं इसके इंजन की, जो कि आपको 109.52 cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक BS6 FI इंजन मिलता है, जो कि
8.97 पीएस की पावर जनरेट करता है 7500 आरपीएम पर। और अगर एनएम टॉर्क की बात करते हैं तो आपको इसमें 9.30 एनएम का टॉर्क मिलता है 5500 आरपीएम पर, जो कि काफ़ी एक अच्छा है। इसका इंजन काफ़ी आपको रिफाइंड मिलता है, जिससे आपको आगे चल के ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी सही लगती है होंडा आपको लीवो। उसके इस क्लस्टर में भी आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, फ्यूल इंगेज, ट्रिप सेट करने के लिए एंड स्पीड के लिए। और कुछ इस तरीके के इसके एक्सीलेटर है, जो कि नॉर्मल ही है। इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें अगर, तो 161 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। चार साइड की अगर बात करते हैं तो इसके स्टैंड की बात करें अगर आपका ये स्टैंड लगा हुआ है और अब जब आप बाइक स्टार्ट करेंगे तो बाइक स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन आप जैसे ही फर्स्ट गियर लगाएंगे, फर्स्ट गियर अगर आप लगाते हैं जैसे ही, वैसे ही बाइक बंद हो जाएगी, क्योंकि आपका इसमें स्टैंड ओपन है। अगर स्टैंड हटाओगा तो गाड़ी बंद नहीं होगी। काफ़ी साइलेंट स्टार्ट होती है आपकी लीवो। साइड से कुछ इसकी ये लुक आती है लीवो होंडा की। मैं इसकी आपको ऑन रोड प्राइस एंड एक्स शोरूम प्राइस दोनों आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कितने की ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो डेली मिलती रहेंगी यहाँ पर।